Hi everyone welcome back to my channel in this video we will be solving exercise 5.4 of ncrd so let's begin uh, we uh, in exercise 5.4 we need to dist uh, differentiate um, the following parts following function with respect to x as you can see first part is uh, first question is like e to the power x upon sin x so let's start hum pehle question se start karte hain पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें differentiate करना है with e की power x upon साइन x. हमें इसे differentiate करना है करते हैं अब देख के आपको पता चल रहा है कि क्या करना है हमारे पास ये क्वेश्चन रूल है क्वेश्चन रूल में क्या होता है जब हमें एज अ फॉर्म ऑफ न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन है तब हमें क्या करना है क्वेश्चन रूल आपको पता ही होगा क्या होता है कि अगर यू की वी यू बाय वी की, uh, की फॉर्म में है तो डिफरेंशिएशन इसका क्या होता है अगर वाई हमें यू बाय वी की फॉर्म में है तो डी वाई बाय डीएक्स होता है हमारा पहले हमें यू को डिफ्रेंशिएट करना होता है v को is, को is, v को वी को एज इट इज माइनस यू को एज इट इज वी को डिफरेंशिएट अपॉन वी स्क्वायर सो so, करते हैं इस फॉर्मुला के अकॉर्डिंग तो साइन uh, एक्स को तो हमें एक्स इट इज सेम लिखना है डिनोमिनेटर में साइन स्क्वास लिख देते हैं अब ई पहले हमें यह तो e e e uh, करना है न्यूमिरेटर का डिफ्रेंसिएशन तो ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन इज ई की पावर एक्स साइन एक्स को एज इट इज रखना है माइनस ई की पावर एक्स का एज इट इज रखना है न्यूमिरेटर को डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन करना है साइन एक्स का हुआ कॉज एक्स तो अब इसमें आप देख सकते हो ई e की पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं ई e की पावर एक्स कॉमन लिया क्या आया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स तो ये हमारा डिफ्रेंसिएशन हो गया फर्स्ट पार्ट का अब हम सेकेंड देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास ई e की पावर साइन इनवर्स एक्स सो वो करते हैं ई साइन इनवर्स एक्स तो अब इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं अब आपको पता है कि मोस्टली हमारे कॉम्पोजिट फंशन ही आएंगे हमें चेन रूल ही अप्लाई करना पड़ेगा तो चेन रूल अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हमें डिफ्रेंसिएशन करते हैं मतलब वाई हमारा ई e की पावर साइन एक्स है तो डीवाई बाई डीएक्स लेते हैं डीवाई बाई डीएक्स आया हमारा ई e की पावर मैंने आपको बताया था कि ई e की पावर कुछ भी हो उसका डिफ्रेंसिएन होता है एक्जैक्ट तो ई e की पावर साइन इनवर्स एक्स एज इट इज लिखेंगे अब साइन इनवर्स एक्स का मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कि जर्नल स्टैंडर्ड फॉर्मुलाज में कि साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसियशन होता है हमारा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क् तो हो गया हमारा इसका डिफ्रेंसिएशन बहुत ईजी था थर्ड पार्ट है हमारे पास वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स क्यूब अब हमें इसका डिफ्रेंसिएशन लेना है तो करते हैं तो डीवाई बाई डी एक्स आया हमारे पास e की पावर एक्स क्यूब एज इट इज लिखा अब x e को हटा दो x क्यूब का डिफ्रेंसिएशन लेना होगा एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमको पता ही है थ्री एक्स स्क्वायर होता है तो अब लिख दो थ्री एक्स स्क्वायर की पावर एक्स क्यूब ओके ये आ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास कि वाई है हमारे पास साइन टेन इनवर्स ई माइनस एक्स अब इसका करते हैं डी वाई बाय डी एक्स है हमारा साइन का करते हैं साइन इसको हम एज अ एक्सप्रेशन एक्स कंसिडर कर लेंगे पहले साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स लिख दो कॉस टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स लिखा अब साइन को हटा दो टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स आपको मैंने बताया था कि टेन इनवर्स एक्स का होता है एक्स तो e स्क्वायर का होगा तो माइनस टू एक्स आ गया टेन इनवर्स भी हटा दो अब ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्जैक्ट ई की पावर माइनस एक्स लिख दिया अब माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा माइनस वन तो लिख दो माइनस वन हो गया हमारा अब इसको एज थोड़ा ठीक से लिखते थे तो हमारा आया माइनस ई e की पावर माइनस एक्स कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स तो ये आ गया हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट नेक्स क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ वाई है हमारे पास लॉग कॉस ई e की पावर एक्स ये एक्सप्रेशन है हमारे पास एक अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो लिखते हैं डीवाई बाई डी एक्स निकालते हैं इसका अब हम लॉग का निकालते हैं इसको पहले एक्स कंसिडर किया तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन बाय कॉस ई की पावर एक्स एज इट इज लिखा लॉग को हटा दो भूल जाओ कॉस ई की पावर एक्स का क्या हुआ माइनस साइन ई की पावर एक्स लिख दिया अब कॉस को हटा दो ई की पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन इज ई की पावर एक्स अब तो इसको स्टैंड थोड़ा ठीक से लिख देते हैं माइनस बाहर आ जाएगा ई की पावर एक्स साइन e की पावर एक्स अपॉन कॉस ई की पावर एक्स हम इधर ही छोड़ दें कि ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है हो सकता है ना कैसे साइन ई की पावर एक्स अपॉन कॉस ई की पावर एक्स साइन ए एक अपॉन कॉस वे होता है हमारा टेन ए तो लिख देते हैं माइनस ई की पावर एक्स टेन ई की पावर एक्स ये आ गया हमारा आंसर नेक्स्ट देखते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस ये है सो ऑन टू e की पावर x की पावर फाइव x टू पावर फाइव अब इसका हमें डीवाई बाई डी एक्स मतलब ये वाई कंसिडर करते हैं अगर तो इसका डिफ्रेंसिएशन निकालते हैं तो डीवाई बाई डी एक्स आया ई e की पावर एक्स का आपको बताइए ई e की पावर एक्स प्लस ई e की पावर एक्स स्क्वायर का ई की पावर एक्स स्क्वायर का एज इट इज एक्स स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर का निकालना पड़ेगा एक्स का डिफ्रेंसिएशन इज टू एक्स तो हम इसे एज टू एक्स यहां लिख देंगे प्लस अब इसके बाद क्या होगा ई की पावर एक्स की पावर थ्री तो ई एक एक्स क्यूब का क्या होगा एज इट इज लिखेंगे ई एक्स क्यूब और एक्स की पावर थ्री का डिफरेंशिएशन हमें पता ही है, थ्री एक्स स्क्वायर ये हमारा निकल रहा है एक्स की पावर एन से एक्स की पावर के एन का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है हमने जब स्टैंडर्ड पढ़े थे एन हमारा बाहर आ जाएगा और एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाती है प्लस अब e की पावर x4 फोर एज इट इज लिख देंगे पहले और x की पावर फोर का डिफ्रेंसिएशन हमें पता ही है फोर आ जाएगा x क्यूब हो जाएगा प्लस अब e की पावर x की फाइव का निकालना है इसको पहले एज इट इज लिख दो और इसका निकालेंगे अब x की पावर फाइव का फाइव एक्स की पावर फोर ये हमारा dy वाई बाई आ गया देखो बहुत सिंपल है बस हमें ध्यान से करना है कि एक एक चेन रूल जब अप्लाई कर रहे हैं तो कैसे कैसे फंक्शन को कंसिडर करके कैसे कैसे उसका डिफरेंसिएशन निकालना है अब नेक्स्ट देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन है हमारे पास y है अंडर रूट ई उसकी पावर अंडर रूट एक्स अब करते हैं इसको डीवाई बाय डी एक्स निकालते हैं इसका क्या होगा हम इसको पहले एज एन एक्स कंसिडर करते हैं तो इसको अगर हमने अंडर रूट एक्स कंसिडर किया पूरे टर्म को एक्सप्रेशन को तो अंडर रूट एक्स का डिफेंसिएशन हमें पता ही वन बाय टू रूट एक्स होता है तो लिख दो वन बाय टू एक्स की जगह क्या जो हमारा ई अंडर रूट एक्स ठीक है ये हुआ हमारा अब अंडर रूट हट जाएगा भूल जाओ उसको अब एक्स का डिफ्रेंसिएशन करना होगा तो एक्स का है ई e की पावर अंडर रूट एक्स तो ई e की पावर अंडर रूट एक्स मैंने बताया ई e की पावर कुछ भी हो तो उसका डिफ्रेंसिएशन सेम आएगा तो लिख दो ई e की पावर अंडर रूट एक्स लिख दिया अब अंडर रूट एक्स का करना पड़ेगा ई e को हटा दो अंडर रूट एक्स का हमें पता ही है वन बाय टू रूट एक्स तो लिख दो वन बाय टू रूट एक्स हो गया अब इसको लिख दो वन वन ई हमारे न्यूमिरेटर में ई e की पावर अंडर रूट एक्स आएगा ऊपर ठीक है डिनोमिनेटर में क्या आएगा टू को टू से मल्टीप्लाई किया फोर अंडर रूट अंडर रूट एक्स है एक्स तो e की पावर अंडर रूट आंसर ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अब एथ है हमारे पास y एक्सप्रेशन के बन लॉग लॉग x अब इसका डिफ्रेंसिएशन लेते हैं तो हमारे पास dy बाई डी क्या आएगा dy बाई डी होगा हमारा अब पहले लॉग का स्टार्ट करना है फंक्शन जो स्टार्ट सबसे पहला फंक्शन है लॉग का इसको लॉग एकस एक्स का, का देखना पड़ेगा इसका डिफरेंसिएशन होगा वन बाय एक्स ठीक है अब लिख दो वन अपॉन एक्स लॉग एक्स आ गया आपका आंसर बहुत सिंपल था देखो अब नेक्स्ट देखते हैं नाइन्थ है हमारा एक्सप्रेशन है कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स इसका डिफ्रेंसिएशन निकालते चलो कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स देख के पता चल रहा है क्वेश्चन रूल अप्लाई करना पड़ेगा फ्रैक्शन के टर्म्स में तो क्वेश्चन रूल मैंने अभी आपको बताया तो उसका डीवाई बाई डी एक्स होगा सबसे पहले ऊपर न्यूमिनेटर निकालने से बेटर क्या होता है पहले तो हमें पता है डिनोमिनेटर वाला जो होता है हमारा वो यहाँ पे बस स्क्वायर आ जाता है तो लिख दो लॉग एक्स का होल स्क्वायर आ गया अब टर निकालते हैं न्यूमिडेटर में सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन को हमें क्या करना होता है डिफ्रेंसिएट कॉसिएगा माइनस और सेकेंड टर्म का डिफेंसिएशन लॉग एक्स को होता है वन एक्स। हो गया अब इसको हम खोल देते हैं वन बाय एक्स है ना तो क्या करो वन बाय एक्स को तुम एलसीएम ले लो मतलब यहां से मल्टीप्लाई कर दो तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो आया माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर समझ गए ना x का हमने वन बाय एक्स है ना तो उसको हमने एलसीएम ले लिया एलसीएम लेके यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि यहां पे x नहीं था कहीं पे तो हो गया ये अब माइनस को कॉमन ले लेते हैं माइनस कॉमन लिया एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस हो गया अंदर क्योंकि माइनस कॉमन था प्लस कॉस x अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर आ गया आपका आंसर नाइन्थ का अब लास्ट क्वेश्चन है टेंथ टेंथ क्वेश्चन है हमारे पास वाई है कॉस ब्रैकेट में लॉग एक्स प्लस ई की पावर X. इसका दी दी एक्स इसका क्या हालते हैं डी वाई बाय डी एक्स सबसे पहले मल्टीप्लाई का डिफ्रेंसिएशन लिख लिख करना है प्लस है अगर मल्टीप्लाई होता तो वही आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़ता बट प्लस वाले में मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी एक क्या कि अगर हमें यू प्लस वी होल का डिफ्रेंसिएशन निकालना है तो हमें क्या करना है हमें उन्हें सेपरेटली इंडिपेंडेंटली डिफ्रेंसिएशन निकालना है यू डैश v डैश और उनका जो रिजल्टेंट का डिफेंसिएशन आएगा उसको बस ऐड कर देना है ये आइडेंटिटी मैंने बताई थी अब ऐसे ही करना है हमें log x का डिफेंसिएशन वन बाय एक्स प्लस ई की पावर एक्स का डिफेंसिएशन ई e की पावर एक्स तो अब इसको लिख दो माइनस वन बाय एक्स प्लस ई की पावर एक्स साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स हो गया सो आर इज कंप्लीट आप देख सकते हो मैंने बहुत ही ज्यादा टू तो टू तो तो थ्री स्टेप्स में ही हर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो डिफेंसिएशन बहुत इजी है लोगों को लगता है कि कैलकुलस पार्ट बहुत मुश्किल है लेकिन ऐसा नहीं है आप बहुत केयरफुली हर एक एज पर जो हमने पढ़े हैं कंसेप्ट उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा तो आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो इन केस यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन हम नेक्स्ट कंसेप्ट आगे वीडियोज में कवर करेंगे I hope this video is clear to you. Please don't forget to subscribe to the channel in case you haven't done it yet and like the video. Thank you.